इस क्वेश्चन में हमें बोला है आर ई एन टी इज आर रेक्टेंगल। आर ई एन टी क्या है? एक रेक्टेंगल है और इसमें हम फिर रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब इसमें आगे लिखा है डायगनल्स आर मीट एट ओ, उसके जो डायगनल्स हैं डायगनल्स आर एन और ई टी कहा मीट कर रहे हैं? ओ पे। हमें एक तो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें दिया गया है ओ आर इज इक्वल टू 5x+4 और ओ टी इज इक्वल टू 3x+12। ये चीजें हमें गिवन है। तो अब इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल यूज करेंगे, वो भी डायगनल से रिलेटेड। तो एक तो प्रॉपर्टी डायगनल की ये है कि डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब ई टी आर एन को डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट में, उसके कौन से दो इक्वल पार्ट बनेंगे? एक बनेगा ओ आर और एक बनेगा ओ एन। ओ आर ओ एन इक्वल होंगे और जो आर एन है ओ आर का डबल होगा। आर एन जो है आर का डबल होगा। तो सबसे पहले हम आर एन निकालेंगे, ठीक है? तो हम लिखेंगे आर एन इज इक्वल टू ट्वाइस ओ आर, क्योंकि ये देख ओ आर और ओ एन इक्वल है, दो इक्वल पार्ट हो गए और आर एन इनका डबल है। आर एन ओ आर का भी डबल है, इवन ओ एन का भी डबल है, लेकिन हम ओ आर का डबल ले रहे हैं क्योंकि हमें ओ आर गिवन है। तो हम इधर लिखेंगे और रीजन होगा डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। टू इंटू ओ आर कितना है हमारा? फाइव, टू इंटू प्लस फोर हो जाएगा। आर एन कितना हो जाएगा? टू इंटू 5x+4। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। अब सिमिलरली हम ई टी निकालेंगे, डायगनल ई टी। ई टी किसका डबल होगा? ध्यान से समझना, इसमें ओ टी और ओ ई इक्वल होंगे अगर आर एन ई टी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो दो इक्वल पार्ट कौन से मिलते हैं? एक मिलता है ओ टी और एक मिलता है ओ ई, और ये दो इक्वल पार्ट हो गए और इन दोनों को मिला के ई टी बना है। तो ई टी ओ टी का भी डबल है और ओ ई का भी डबल है। तो हम लिख सकते हैं ई टी इज टू इंटू ओ टी, ठीक है? तो टू इंटू ओ टी कितना है? 3x+1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना रेक्टेंगल की, डायगनल से रिलेटेड होती है कि इसके जो डायगनल्स है वो इक्वल भी होते हैं। तो हम लिखेंगे आर एन इक्वल टू ई टी, आर एन इक्वल टू ई टी, और रीजन देंगे डायगनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, अब आर एन हमने कितना फाइंड किया? 2 इंटू 5x+4, और ई टी हमने कितना फाइंड किया? 2 इंटू +12। अब ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, ठीक है? और हमारे पास इक्वेशन क्या बची है? इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, 5x+4 इज इक्वल टू 3x+12। अब x वाली टर्म हम LHS में लेते हैं, LHS में ऑलरेडी 5x है। अब 3x इधर आके -3x हो जाएगा, इधर क्या बचा? 12, और +4 इधर आके -4। तो 2x इज इक्वल टू 12 - 4 8 होता है, और x इज इक्वल टू 8/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, ये RHS में डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8/2 इज 4, तो x की वैल्यू 4 हो गई। हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी जो कि कर चुके हैं।